नमस्कार, वक्त है हेडलाइंस का। बुजुर्ग दंपति हत्याकांड में खुलासा, बेटे रवि ने ही की थी माता पिता की हत्या। सामने आया चौंकाने वाला सच, आरोपी बेटा सारी संपत्ति कब्जाना चाहता था। छोटे भाई गौरव को 2 साल पहले उसकी मौत हुई थी। माता पिता उसके बच्चों को संपत्ति का अहम हिस्सा देना चाहते थे। गोरखपुर में नोएडा की तरफ प्राकृतिक गैस से चलेगी गीडा की फैक्ट्रियां। सेक्टर 13 में बिछेगी पीएनजी की पाइपलाइन। ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर गीडा सेक्टर 13 में बिछेगी पीएनजी की पाइपलाइन। गीडा बोर्ड ने दी मंजूरी, गैस कंपनियां शुरू कर सकती है काम। पारस अस्पताल में एक और कारनामा, 19 दिन संक्रमित का किया इलाज, मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखा हार्ट अटैक। दम घोटू माइक्रोडिल मामले में अब अस्पताल में लापरवाही से मरीज की मृत्यु और मौत के कारण छिपाने के आरोप मृतक के भाई ने लगाए हैं। पीएसएल मैच के दौरान हसनैन से टकराए डू प्लेसिस, ले जाए गए अस्पताल। पाकिस्तान सुपर लीग मैच के दौरान क्वेटा ग्लैडियर्स के बल्लेबाज फास डू प्लेसिस अपने साथी मोहम्मद हसनैन के साथ फील्डिंग करते वक्त टकरा गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यूपी में अब तंबाकू सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, जाने क्या है प्रक्रिया, कितना देना होगा शुल्क। उपवी में बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए पाए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के तंबाकू की उत्पाद की बिक्री करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर ₹2000 जुर्माना व सामान जब्त किया जाएगा। दिल्ली अनलॉक में फल सब्जी खरीदने के लिए पहुंच रहे लोग जगी व्यापारियों की उम्मीद। इस दौरान एक विक्रेता ने कहा कि लॉकडाउन ने हमारे व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया है, अब इसे हटाने का फैसला लिया गया तो ऐसा लग रहा है व्यवसाय में धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा। केरल में 23 साल से बिस्तर पर पड़े हारिस को मिला एनजीओ का सहारा, व्हाट्सएप के जरिए बेच रहे अपने छाते। केरल के रहने वाले शख्स दुर्घटना का शिकार होने के बाद छाता बेचने लगे, लेकिन कोरोना काल में वो काम भी ठप हो गया। अब एक एनजीओ की मदद से हारिस छाता बेच रहे हैं। दुर्घटना की वजह से वो पिछले 23 साल से बिस्तर पर। चीन और अमेरिका ने ठुकराई पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी, वापस लौटाए तोहफे में भेजे गए आम। कूटनीति के तहत पाकिस्तान दुनिया भर के देशों को तोहफे में आम की अलग अलग किस्में भेज रहा है। हालांकि खुद उसके परम मित्र देश चीन और अमेरिका को पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी रास नहीं आई और पाकिस्तान की ओर से तोहफे में भेजे गए आम वापस लौटा दिए गए। 25 करोड़ की चोरी, आरोपियों के हैं 3 विला 7 लग्जरी गाड़ियों का बेड़ा। सब्जी लाने के लिए इको वैन का इस्तेमाल। ग्रेटर नोएडा के जीटा वन स्थित आम्रपाली ग्रैंड सोसाइटी में 4000 वर्ग फीट में विला नंबर ABC के सामने BMW, 2 मर्सिडीज, होंडा सिटी, i20, इंडिगो समेत 7 कारों का बेड़ा खड़ा है। कोरोना से मौत की संख्या 7 गुना होने का दावा सरकार ने नकारा, गिनाए ये कारण। एक खबर में दावा किया गया कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से 5 गुना से 7 गुना तक अधिक है। वहीं भारत सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है। सरकार ने कहा कि एक आकलन महामारी विज्ञान संबंधी सबूतों के महज कयासों पर आधारित है।